कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान पिछले एक वर्ष से टोल प्लाजाओं पर पंजाब भर में धरना दे रहे हैं, जिसके चलते आज एक वर्ष पूरा होने के चलते होशियारपुर के मुकेरियां हर समसार टोल प्लाजा पर किसान पंचायत का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर बलवीर सिंह राज्यवाल, जंगवीर सिंह चौहान मुख्य रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा किसान विरोधी कृषि बिलों को रद्द करवाने के लिए जहां किसान लंबे समय से संघर्ष की राह पर हैं, वहीं केंद्र सरकार को अंत अपनी हर मानकर इन तीनों बिलों को ही रद्द करना पड़ेगा। वहीं भाजपा के डॉक्टर सुभाष शर्मा द्वारा किए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू त्योहारों में कुछ लोग राजनीति कर खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के काम। इस पर राज्यपाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो नरसिंहरा भाजपा ने किया है वह मानवता का हनन है। बेकसूर लोगों को कुचलना या दुनिया में कोई झूठी पार्टी है वो भाजपा है। गरीब तबके के लोग थी नाई पी सीमे जिन्होंने अपने आप को शहादत का जान पीने खिलाफ नहीं लड़ता, जुलम के खिलाफ नहीं लड़ता, गरीब की रक्षा नहीं करता, वह सिंह नहीं कहा सकता। पाथिया कई लोग कहते मोर्चा लंबा हो गया, मोर्चे में चिर हो गया। मैं उन्होंने सदा कहना हूं सर, जिहड़ा बांके दयाल ने करता लिखी थी पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए लुट ने 9 महीने लिया गली एक पैसा नहीं दिता अंग्रेजा नूं और जित के वापस मुड़े सी 66 साल की उम्र के 38 साल मनना पड़ेगा। सरकार फसी है गलती करके अपनी इज्जत बचाने वास्ते जो सरकार है किसानों को सजा दे रही है। उन्होंने कुछ भी नहीं झूठ बोलने तो सवाल सब तो बड़ी झूठी पार्टी के कोई हिंदुस्तान है दुनिया च भाजपा हूं कुछ कह रहे घंटे कुछ दो घंटे इंसान मारिया हो और चले जाते पिछों जीप उ चढ़ाई है इना घना काम भाजपा ही कर सकती हो।